अल्लाह से डरते हो ना? अल्लाह से डरते हो? अल्लाह से डरने का दावा है तो दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं होता जब तक के दावा की दलील ना पेश कर दी जाए। दावा उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं जब तक के दावा की दलील ना हो। तो हे खुदा से डरने का दावा करने वालों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह से डरते हो तो उस दावे की दलील क्या है? किस बुनियाद का दावा है कि तुम अल्लाह से डरते हो? सुनिए, यहां कमी कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह से डरने का दावा है? कौन सा किरदार ऐसा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह से डरने का दावा है? कौन सी ऐसी रात है जिसकी बुनियाद पर तुम अल्लाह से डरने का दावा करते हो? कौन सी ऐसी सुबह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह से डरने का दावा कर रहे हो? ए अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, कोई तो ऐसा अमल दिखाओ, जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा दिखाओ जिसे देख कर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की जिंदगी है। कोई तो ऐसी रात दिखाओ जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की रात है। कोई तो ऐसी सब दिखाओ जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की सुबह है। कोई तो ऐसा अमल दिखाओ, कोई तो दलील पेश करो। अगर तुम्हारी पेशानियों पर सजदों की कामना की हो तो दलील बनाकर पेश करो। अगर तुम्हारी जबान पर कुरान की तिलावत की हलावत हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे कदमों में सफा मरवा की सही के चाले हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे अमाल में काबा का तवाफ हो तो दलील बनाकर पेश करो। चाहे जमजम की सैराबी हो तो दलील बनाकर पेश करो। वकूफ़े मीना हो तो दलील बनाकर पेश करो। दुआए अरफात हो तो दलील बनाकर पेश करो। आयते कुरानी पर अकीदा हो, आयते कुरानी पर अमल हो तो दलील बनाकर पेश करो। शरीयत मुस्तफा की पैरवी हो तो दलील बनाकर पेश करो। अरे कोई तो ऐसा अमल दिखाओ जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके ये खुदा से डरने वाला जा रहा है, ये खुदा से डरने वाले की रात है, ये खुदा से डरने वाले की सुबह है, ये खुदा से डरने वाले की खलवत है, ये खुदा से डरने वाले की जलवत है। अगर तुम्हारी कमाई तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बना, दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारा तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। खुदा से डरने का दावा करने वालों, कौन से अमल की बुनियाद पर तुम्हारा दावा है कि तुम खुदा से डरते हो? किस किरदार की बुनियाद पर दावा है कि तुम खुदा से डरते हो? रब कैलानी तकुल्ला, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? नमाजें ना पढ़ो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? रमजान का महीना आए रोजे ना रखो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? साहिबे इस्तेदाद हो हज ना करो, मालिक के निसाब हो ज़कात ना दो। क्या यही अल्लाह से डरने का मतलब है? शराब नोशी करो, चुगलखोरी करो, गीबत करो, पड़ोसियों के हुकूक पर अमल करो, हलाल और हराम में तमीज ना करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव ना करो, भाइयों का माल गसल कर लो, बहनों की इज्जत को तार तार करते नजर आओ, पड़ोसियों के ख्याल ना रखो। क्या यही अल्लाह से डरने का मतलब है? आपने कहा ना अल्लाह से डरते हो, झूठ भी बोलते हो अल्लाह से डरते हो, नमाज भी नहीं पढ़ते अल्लाह से डरते हो, गुनाहों में मुलव्वस नहीं है अल्लाह से डरते हो। मैंने पहले ही कहा कि मेरी तकरीर सुन कर आप मसरूर ना होंगे, लेकिन ये याद रखो कि मंजूर है इस बस में इस्लाह है वफा से, मंजूर है इस बस में इस्लाह है वफा से, नश्र जो चुभोता है वो तो
से डरने का दावा करने वालों, दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं होता जब तक के दावा की दलील नहीं है। आज आप परेशान हैं, हर जगह सताए जा रहे हैं, कहते मुसलमान मारा जा रहा, सताया जा रहा है, जुल्म बढ़ाया जा रहा। बिलखुसूस सरजमीन हिंदुस्तान पर आप परेशान हैं कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और आप रहम रहम की भीख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने इख्तियार दिया कि जालिमों से कहे कि जुल्म करना छोड़ दो? आपको किसने हक दिया है कि आप बिच्छू से कहे कि डंक मारना छोड़ दे, भेड़िए से कहे कि दरिंदगी छोड़ दे? आपको किसने इख्तियार दिया कि सांप से आप गुजारिश करें कि डसना छोड़ दो? जो काम जिसकी फितरत में है वही तो करेगा। आपने सुना होगा कि नेचर और सिग्नेचर तब्दील नहीं होता, जिसकी जो फितरत होती है वो बदलती नहीं है।